नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम GK के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई थी? तो 15वां संविधान संशोधन 1963। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार मुंबई, कोलकाता और मद्रास उच्च न्यायालयों की स्थापना कब की गई थी? तो 1862 में, लेकिन जो सबसे पहले था वो कलकत्ता उच्च न्यायालय बना था, तो आप याद रखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेप्सिन क्या है? तो पेप्सिन एक एंजाइम है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आँखों के किस दोष को दूर नहीं किया जा सकता है? वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस, आप इसे भी याद रखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा में आर्सेनिक की मात्रा सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल इज़ द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहाँ के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्णयुग किसने कहा था? तो AL श्रीवास्तव ने अपने पुस्तक मुगल कालीन भारत मुगल काल का स्वर्णयुग कहा है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड इज द राइट आंसर। और अगर ये पूछे विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो इंडोनेशिया इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश कौन सा है? ब्राज़ील इज द राइट आंसर। और अगर इंडिया में बात करें तो कर्नाटक राज्य में कॉफ़ी सबसे ज़्यादा होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स में जुड़ने वाला 5वां देश है? तो दक्षिण अफ्रीका 2010 में जुड़ा था, इससे पहले ये ब्रिक ही था। और ब्रिक्स की फुल फॉर्म ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका है, तो आप इसे भी याद रखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो लीला सेठ, जो कि 1991 में हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में राष्ट्रपति शासन सबसे पहले लगा था? तो पंजाब 1952 इज़ द राइट आंसर, आप इसे भी याद रखेंगे। उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें गैस सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाती है? निक्षेपण, डिपोजिशन इज़ द राइट आंसर। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में कितनी अधिकता से हृदयघात होता है? किसकी अधिकता से हृदयघात होता है? तो कोलेस्ट्रॉल के बढ़ जाने के कारण। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली विद्युत ट्रेन कब चली थी? तो 1925 में, डेक्कन क्वीन उसका नाम था, इस आप इसे भी याद रखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी पर बना हुआ है? तो हुगली नदी पश्चिम बंगाल में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? अमेरिका इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की नवीनतम भाषा कौन सी है? तो अरबी और स्पेनी, जिसे 1973 में जोड़ा गया।
इसकी स्थापना के समय चार ही भाषाएं थी। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो ट्रिगवेली थे और वर्तमान में एंटोनियो गुटेरेस हैं। तो यानी कि 6 राजभाषाएं हैं, अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश। तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और इसकी जो कार्यकारी भाषाएं हैं वो अंग्रेजी और फ्रेंच हैं। वन नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद की लोक लेखा समिति का चेयरमैन कौन होता है? तो विपक्ष का नेता, और वो लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा बनाया जाता है और टोटल इसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वेज नहर भूमध्य सागर को अन्य किस सागर से जोड़ती है? तो लाल सागर इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद महात्मा गांधी जी का पहला सफल सत्याग्रह कौन सा था? तो चंपारण सत्याग्रह, जो कि 19 अप्रैल 1917 को हुआ था। इसका उद्देश्य नील की खेती करने वाले किसानों को न्याय दिलाना था और महात्मा गांधी जी 9 जनवरी 1915 को वापस आए थे दक्षिण अफ्रीका से और 9 जनवरी को ही प्रवासी दिवस इसी कारण मनाया जाता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, माय कंट्री माय लाइफ किस नेता की जीवनी है? तो लाल कृष्ण आडवाणी जी की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में है? तो उड़ीसा में 1278 में इसका निर्माण नरदेव सिंह प्रथम ने करवाया था और 1984 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में इसे शामिल किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 15 मार्च 1948 को, आप इसे भी याद रखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो जयंती पटनायक, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है और अगर पहला पूछें तो ब्राज़ील इज़ द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक किसने लिखी थी? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, ये देश के पहले शिक्षा मंत्री थे और 11 नवंबर को ही राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2008 से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजातंत्र का रक्षक किसे कहा जाता है? तो नेपोलियन इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर किस क्षेत्र में थी? तो जयपुर राजस्थान में और इसकी स्थापना विराट ने की थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का न्याय क्षेत्र किस न्यायालय की देख रेख में आता है? तो कलकत्ता हाई कोर्ट इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है। इसमें कन्फ्यूज ना होइएगा, ये विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस है और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ये दोनों अलग अलग बातें हैं, तो आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, ऐसा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।